ಐ ಲವ್ ಬಿ ಕಢಾಯಿ ದೋ हम विनोद वाले पे थे तो आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 5% बढ़ाना पड़ेगा आपके लिए डिस्काउंट। भैया ध्यान से टूटे ना, वही देख रहा हूँ। टेक्निकल अगर कोई फॉल्ट है तो वो अभी दिख जाएगा, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ सदर बाजार। तो अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सब ये जानते होंगे कि मैंने अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट किया है और मैंने अपनी किचन की सारी शॉपिंग ऐसी ही होलसेल मार्केट से की है जिसमें से सदर बाजार एक है। तो अगर आप भी सदर जाना चाहते हैं तो यहाँ अपनी गाड़ी से बिल्कुल ना जाए। मैं नॉर्थ दिल्ली से जा रही थी तो मैंने सीधा रिक्शा ले ली। अगर आप दिल्ली के किसी भी कॉर्नर से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे पुलपंगज मेट्रो स्टेशन तक आ सकते हैं और वहाँ से आपको बाराटूटी चौक की रिक्शा मिल जाएगी। इस चौक तक रिक्शा आती है, इसके आगे नहीं जाती है। और अगर आप आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर भी आएंगे तो वहाँ से भी सदर का डिस्टेंस बहुत कम है, तो आपको ईजिली रिक्शा मिल जाएगी। यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है। आपको घर में यूज़ होने वाला वो हर सामान यहाँ मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वैसे ये मार्केट बहुत ज़्यादा कंजस्टेड रहती है तो आपको अपने सामान का भी खुद ध्यान रखना है, बहुत ही विजिलेंट रहना है थ्रू आउट योर शॉपिंग। तो मुझे किचन के लिए हैंड टॉल्स लेने थे और भी जैसे चपाती क्लॉथ एंड ऑल। तो जब आप इस रोड पे सीधा चलेंगे तो राइट हैंड साइड पे ये एक छोले भटूरे की शॉप आएगी और इसी गली के अंदर आपको सारे टॉल्स मिलेंगे। ये एक डेडिकेटेडली हैंड टॉल्स हैंकीज वगैरह की मार्केट है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सिंगल पीस चाहिए तो सिंगल पीस भी मिल जाएगा और अगर आप डजन के हिसाब से लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। जैसे किचन में हैंड टॉल्स और डस्टिंग वगैरह के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ती है तो मैंने तो डजन के हिसाब से ही लेने थे, एक दो से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला था। मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं लेकिन एक सही शॉप पर जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और वो आप तभी जा सकते हो जब आप मार्केट को बहुत अच्छे से जानते हो। तो इस शॉप में आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, काफ़ी होटल्स चेन को भी ये सप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ से माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिए, हैंड टॉवल्स लिए, चेरी ऑन द टॉप मुझे नॉटिका होम का भी एक टॉवल मिल गया विच वॉज़ वेरी गुड, तो मैंने वो भी ले लिया। मैं साइड बाय साइड आपको वो भी दिखाती रहूँगी जो मैंने लिया है। तो ये थे वो माइक्रोफाइबर के क्लॉथ जो मैंने किचन के लिए लिए। यू कैन सी द फैब्रिक इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट और सबसे बेस्ट पार्ट ये रिवर्सिबल है, सो इट हैज़ ऑल द कलर्स लाइक पिंक, पर्पल, येलो एंड मैनी मोर। मैंने काफ़ी निकाल भी लिए हैं डस्टिंग के लिए, किचन स्लैब के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको किचन का स्लैब क्लीन करना है या कुछ करना है, बहुत ही ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बेंट भी हैं, सो इट्स वेरी गुड। और उसके बाद मैंने हैंड टॉवल्स में लिए ये, दिस इज़ अगेन वेरी गुड, वेरी सॉफ्ट। और नॉर्मली अगर मैं इसका पर पीस का प्राइस बताऊं तो मुझे ये पैसिफिक मॉल में लाइफस्टाइल में 80 रुपीस पर पीस कुछ पड़ रहा था, लेकिन जब यहाँ से मैंने डजन लिए सो मुझे कुछ 40 रुपीस पर पीस पड़ा। एंड एट द सेम टाइम जो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ हैं ये 100 रुपीस पर पीस मिल रहा था और मुझे ये सदर से कुछ 30 रुपीस पर पीस पड़ा, सो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। एंड दिस टॉल इज़ फ्रॉम नॉटिका होम, मतलब क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज़ टू गुड, क्योंकि मैं ऑलरेडी नॉटिका होम्स के टॉल्स यूज़ कर रही हूँ तो मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं लगा सदर के नॉटिका में और जो नॉर्मली हम मॉल से लेते हैं। बस प्राइस डिफरेंस ये है कि जो मॉल में नॉटिका मिलता है वो आफ्टर डिस्काउंट 1000 प्लस और समवेयर 1200 मिलता है और जो मैं ये लेकर आई हूँ 500 का। सो प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, ब्रांडिंग में कोई फ़र्क नहीं है। और जिस शॉप का मैंने अभी आपको मेंशन करा था यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप भी कुछ बल्क में शॉप करना चाहते हो तो इस शॉप पे ज़रूर जाओ।
अब मुझे चाहिए थी मेरी वुडन मसालदानी, उसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा घूमना पड़ा क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल थी वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो उसकी सर्च कंटिन्यू रखकर मैंने और सामान लेना शुरू करा, जैसे बाथरूम रिलेटेड स्टफ एंड ऑल। अब घर में इतने वॉशरूम्स हैं तो क्वांटिटी उस हिसाब से लेनी थी, फ्लोर क्लीनर्स लेने थे, एंड आई एम समवन जो वॉशरूम को कभी हेल्पर से क्लीन नहीं कराती, तो मुझे खुद के लिए अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करना था। सारी चीज़ों की लिस्टिंग ऑलरेडी कर रखी थी, तो इस शॉप से मैंने क्लीनो वाइप का काफ़ी हद तक सामान लिया, मतलब ब्रशेस, टॉयलेट ब्रशेस एंड ऑल। इस मसालदानी के मुझे अलाइनमेंट समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। फाइनली मुझे ये शॉप मिली, इनके पास बहुत अच्छे इम्पोर्टेड आइटम्स थे और मैंने इनसे लगभग 25 से 30 आइटम्स खरीदे और सारे के सारे एज़ कम्पेयर टू मार्केट बहुत रीज़नेबल प्राइजेस में थे, एंड एट द सेम टाइम जो क्वालिटी इनके पास थी वो पूरे मार्केट में कहीं नहीं थी। तो ये ऑयल कंटेनर्स मैंने इसी शॉप से लिए थे, इस एक कंटेनर का प्राइस था 325 रुपये। मैंने ऐसे दो लिए थे, एक मस्टर्ड ऑयल के लिए, एक ऑलिव ऑयल के लिए, और ये नॉजल इसी के साथ फ्री मिली थी क्योंकि इन बॉटल के जो लेड हैं ऊपर वो काफ़ी स्लीक हैं तो ऑयल बाहर ना गिरे, इस वजह से इस नॉजल की हेल्प से आप इसमें ऑयल पोर कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज कंटेनर्स कि अगर आपके स्लैब पे कुकिंग के टाइम पे ये बाहर भी रखे हुए हैं और आपका किचन अगर आपके लिविंग एरिया से विजिबल है जैसे मेरा है, तो आपकी किचन कभी ख़राब नहीं लगती और ना ही कभी मेस्ड अप लगती है। ये ट्रांसपेरेंट चीनी के और चाय पत्ती के कंटेनर्स भी मैंने इसी शॉप से लिए थे और ये एयर टाइट कंटेनर्स हैं। ये दो यूटिलिटी बास्केट्स भी मैंने इसी शॉप से ली थी, एक जो छोटी वाली है वो रेफ्रिजरेटर में बहुत ईजिली आ जाती है, आप इसमें अपने वेजीज रख सकते हो, और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें होल्स हैं तो जो आपके वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश भी रहेंगे, एंड एट द सेम टाइम एयर पास जब होती रहती है तो उनकी जो ऊपर की स्किन है वो कभी ख़राब नहीं होती, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है उस चीज़ के लिए। और बड़ी वाली बास्केट मैंने अपने ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स के लिए रखी, पहले मैं सिर्फ दो लेकर आई थी बट अब सारी सेटिंग करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इन बास्केट्स की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा लेकर आने वाली हूँ। तो ये स्पाइस कंटेनर्स सेलो वेयर के हैं, अभी तक हम सिर्फ टपर वेयर ज़्यादा सुनते थे बट अब सेलो की भी बहुत अच्छी क्वालिटी आ गई है, और ये सब कुछ मैंने वहीं से लिया है बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राइसिंग में। डबलिन की वाटर बॉटल से लेकर सेलो की वाटर बॉटल से अगर आप प्राइस कंपेयर करोगे तो आपको अमेज़ॉन पे आफ्टर डिस्काउंट भी वो प्राइस नहीं मिलेगा जो आपको सदर बाज़ार में मिल जाएगा। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप बहुत ही बल्क में सामान ले रहे हो तो आपको यहाँ जाना चाहिए। तो मुझे एक लोहे की कढ़ाई भी लेनी थी क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब खाना बनाते हो आप तो उसका जो आयरन होता है आपकी बॉडी को मिलता है, एंड इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, और ये चीज़ कहीं और मिलना इम्पॉसिबल थी बट सदर बाज़ार में आपको ये भी मिल जाएगी। यहाँ पर किलो के भाव से मिलती है तो जितने किलो की आपकी कढ़ाई होगी उस हिसाब से उनकी प्राइसिंग होगी, तो अगर आपको भी चाहिए तो आप भी यहाँ से ले सकते हैं। अब मुझे चाहिए थे सारे स्टील के बर्तन और मुझे वो विनोद के ही चाहिए थे, तो मैं डायरेक्ट इनके डीलरशिप स्टोर पे चली गई। और शॉप पर भी इनके बर्तन अवेलेबल थे बट उनके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा थे इनके स्टोर के कंपैरेटिवली, और अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो आप भी डायरेक्ट इनके डीलरशिप स्टोर पर आएँ रादर देन अगर आप बाहर से इन्हीं के ब्रांडिंग के बर्तन वगैरह कुछ लोगे तो आपको प्राइसेस ज़्यादा मिलेंगे। 650 के लेस हो जाएगा, 430 जो कढ़ाई लिए ना वही ठीक है। और झिपकेगा वाल तो लगाना पड़ेगा, वाल तो डालना पड़ेगा, ऑयल तो डालेंगे, ऑयल तो डालेंगे डालेंगे, नॉन स्टिक में भी ऑयल तो डलता ही है। अब क्वालिटी देखो, क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन ये छोटा है, बड़ा मिल जाएगा, बड़ा मिल जाएगा। अच्छा जैसे ये स्टील का ही है तो ये इसका ये तो नहीं तपेगा, नहीं तपेगा,
जैसे कुछ इसमें ये हैंडल हो गया तो ये मैडम बीच में गए तो हैंडल है बीच में ये बीच में होलो है ये अच्छा इसलिए गर्म नहीं है तो वो इससे बड़ा कैच नहीं करता मजा दे दे बेटा 20 रुपए आज की दे दे ये बहुत बड़ी है नहीं देख छोटी लो चलो एक ये वाली भी ले लो हाँ। और एक इससे मीडियम भी ले लो और एक उससे छोटी भी ले लो हाँ और पलटी एक ये डिजाइन एक ये यही वाला ठीक है ये और इसकी क्वालिटी में डबल कपड़ा एक क्वालिटी अच्छी है आपके आगे देखिए ये कितने रुपए के पड़ेंगे क्या एम आर पी है देखिए एक बार आप 360 महंगा है 270 पर से स्टील का चटक गया हमारा एक ले आना विनोद का विनोद की होगी नहीं विनोद की फिर विनोद को हटाने लगा अच्छा इसमें क्या क्या है इडली और ढोकला इडली ढोकला और मोमोज के लिए स्टीमर भी है और दूसरी आइटम देता हूँ मैं मल्टी कढ़ाई ला दूंगा ये लो मैडम इसमें चार प्लेट ढोकला के होगी और चार इडली के होगी आपको जो चाहिए तो ये सारे लगा लो और ये चाहिए तो लो छोटी प्लेट्स का भी काम बन जाएगा प्लेट्स निकालते तो पहले वो देखो जो मल्टी वाला है ये भी देख लो आप ये मोमोस भी है मुझे थाली भी दिखा दो हाँ सारी साफ है मैडम वो डिस्प्ले पीस होता है ना अच्छा मतलब आप इसमें श्योर हो ये चटकेगी वटकेगी बिल्कुल नहीं कभी भी लाइफ टाइम 6 कर दो ना बस हाँ एक दो तीन देखो कितनी बैटरी है आप देखो जरा पहले 6 में ये लो मैडम थाली ऐसी चाहिए नहीं नहीं ये है तो सही साइडों वाली चलो दिखाओ ये वाली दिखाओ ये कितने रुपए किलो के हिसाब से 620 रुपए किलो ठीक भी है ये थाली कंप्लीट दोनों काम आएगा हाँ पहले आप ये देखना इस टाइम तक मेरे पास सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो शॉपिंग और करनी तो पॉसिबल नहीं थी बट एट द सेम टाइम मुझे काफ़ी सारी बार आइटम्स भी लेनी थी लेकिन मैं शॉप नहीं कर सकती थी बट एट द सेम टाइम मैं शो अराउंड ज़रूर कर सकती थी कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल हैं कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मेरा माइंड थोड़ा सेट हो कि मुझे क्या चाहिए और यहाँ पर एक से बढ़कर एक बार आइटम थी जैसे आप ग्लासेस देख सकते हो कॉकटेल के बहुत अच्छे कलेक्शन थे कॉकटेल ग्लासेस के मॉकटेल ग्लासेस के एज़ यू कैन सी हियर लेकिन ये उतने ही डेलिकेट भी थे तो इसके लिए अलग से आना बनता है इससे पहले मैंने कभी सोने के चम्मच नहीं देखे थे तो अगर आप भी ऐसा टेस्ट रखते हैं कि आपको भी अपने डाइनिंग पर सोने के चम्मच चाहिए वैसे ये प्योर गोल्ड प्लेटेड है अगर आप ज्वेलर से भी इसे चेक करोगे तो ये ओरिजिनल है ये कोई डुप्लीकेसी नहीं है अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप भी यहाँ आ सकते हो इसे ले सकते हो ओवरऑल बहुत ही एक अलग चीज़ है यूनिक पैटर्न है यूनिक चीज़ें हैं मतलब पूरे सदर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ़र्स्ट टाइम देखने को मिलेंगी एंड दे आर क्वाइट अमेजिंग तो इसका प्राइस 6000 के आसपास था और वो भी कुछ लिमिटेड स्पून्स और फोक का अगर पूरा सेट चाहिए तो अकॉर्डिंगली आपका प्राइस बढ़ जाएगा तो ये था मेरा ओवरऑल सदर का एक्सपीरियंस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना टिल देन बी सेफ बी हैप्पी सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय बाय